तुम स्याने मेरे साथ जी जिन रहो विखे रसलाग। यदि इन विषयों में फंसे रहोगे तो क्या होगा, पांव पकड़ कहे इंद्रावती उठ खड़े रहो जाग, तुम जागृत नहीं हो पाओगे। इसलिए मैं तुम्हारे पांव पकड़ के कह रही हूं तुम विषयों को छोड़ दो। आप जानते हैं संसार के विषय हमको लुभाते हैं, ऐसा यह लुभावना संसार है। सोने का बर्तन हो उसमें हलाहल विष भरा हो तो परिणाम क्या होगा, उस विष को पिएंगे हम कहां बचेंगे। एक सरल से मंत्र में वेद ने इस सत्य को दर्शाया है, हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्य अभीतं मुखं तत्त्वं पुष्णं उपावृण सत्य धर्माय दृष्टे। कितनी ऊंची बात कही गई है। ये संसार क्या है, सत्य सोने के बर्तन से ढका हुआ है। संसार एक सोने का बर्तन है, सुंदर बर्तन, और सत्य इसके अंदर छिपा हुआ है। हे परमात्मा इस बर्तन के द्वार को तू खोल दे जिसे मैं तुझे पा जाऊं, ये सबसे बड़ी बात कही गई है। संसार के विषय हमको लुभा रहे हैं, हम इनके पीछे भागे जा रहे हैं, हम शरीर और संसार से परे नहीं हो रहे हैं। आप जानते हैं ना हमारे समाज में, अभी देखिए आप सुंदर साथ को अभी मंचिक कार्यक्रम के लिए कितनी बार करना पड़ता है, विपश्यना में जाइए आपके सबके मोबाइल पहले दिन जब्त करा लिए जाएंगे। 10 दिन का कार्यक्रम है, 10 दिन आप अपने परिवार से संगे संबंधियों से कोई बात नहीं कर सकते। जो उबाला हुआ सादा भोजन मिलेगा वही आपको खाना होगा, कोई फरमाइश नहीं कर सकते। जो आपके साथ कमरे में रहेगा उससे भी बात करने का अधिकार नहीं मिलेगा। यदि इस ये नियम सरसावा में लागू कर दिया जाए मुझे नहीं लगता कि 200 भी आ पाएंगे, और स्थानों पर तो सारी की सारी जनसंख्या समाप्त हो जाएगी। आप सोचिए निराकार की साधना करने वाले सारे कष्ट झेलने को तैयार हैं, किंतु हमारा परम धाम का सुंदर साथ जो दावा करता है करके कहता है ब्रह्म शिष्ट कई वेद ने ब्रह्म जैसी तत्वगत, हम तो पारब्रह्म के स्वरूप हैं, एक मोबाइल नहीं छोड़ सकता, एक गप्पे मारना नहीं छोड़ सकता, और तो और यदि स्वादिष्ट चीज कोई मिर्च वाली गठिया बना दी जाए तो सब कुछ छूट जाएगा। राज्य की चितवनी छूट जाए, राज्य दर्शन दे चाहे नहीं दे, मिर्च का मोह नहीं हम छोड़ सकते, अचार का मोह नहीं छोड़ सकते, तृष्णाओं के पीछे हम भागे जा रहे हैं। परिणाम क्या है, ये जितने संस्कार हमारे अंदर घुसते हैं उनके कारण हम अपने प्राणेश्वर को देख नहीं पा रहे। गुजरात का सुंदर साथ, ये बात मैं कड़वा सच कहता हूँ, तन समर्पित है, मन समर्पित है, धन सबसे ज़्यादा समर्पित है, लेकिन सुंदर साथ रजोगुण के बंधनों को तोड़ नहीं पाता। खटाई, लाल मिर्च, तेल, लहसुन, प्याज वो छोड़ नहीं सकता, चाहे चितवनी लगे या न लगे, राज्य मिले ना मिले, नहीं मिले चलेगा, लेकिन ये जीवा की तृष्णा नहीं जाती। इसलिए इंद्रावती जी को कहना पड़ रहा है तुम स्याने मेरे साथ जी, आप नादानी नहीं कर रहे हो, आप तो बहुत बुद्धिमान हो, इस पर भी मैं पांव पकड़ के कह रही हूँ कि इनको छोड़ दो। ये कितनी कर्म पुकार है, किस लिए कि सुंदर साथ इन सबको छोड़ करके अपनी अंतर्दृष्टि खोलेगा और अपने धाम हृदय में बैठे हुए युगल स्वरूप का साक्षात्कार कर लेगा, तो उसकी आत्मा जागृत हो जाएगी। प्रकाशवाणी पुकार पुकार कर कह रही है, प्रकाशवाणी के जितने प्रकरण हैं लगभग 80% प्रकरणों का यही सार है कि सात माहे बैठे कहे पर कोई बिरलो ले, आपण माए बैठा छे। हर प्रकरण यही बता रहा है कि राज जी कहाँ बैठे हैं, बिहारी जी में नहीं, बिहारी जी की गादी में नहीं, मैं इंद्रावती के अंदर बैठा हूँ। लेकिन 300 वर्ष हो गए हमने तो आज भी नहीं पहचाना कि प्राणनाथ कहते किसको हैं। हमने अक्षरातीत को गादियों में ढूंढना शुरू किया, ऊपर तले अर्श न कहया, अर्श कहया मोमिन कलोक, परमधाम होगा बेहद से परे, लेकिन पहली प्राथमिकता कहाँ है परमधाम, हमारी आत्मा का हृदय ही हमारा धाम है। फारसी का एक शेर है, कलयुबे मोमिन अरसे मनस्थ,
मोमिन का हृदय ही प्रीतम का धाम होता है। अभी संभवतः 25-26 को एक बहन आएगी बानिका, वो क्रंदन उनसे सागर का एक गवाया जाएगा, अरस तुम्हारा मेरा दिल है इत आई करो आराम। अब तक मैंने इस क्रंदन को, इस पंक्ति को सबसे अच्छे भाव में सुना है उनके मुख से। आप सोचिए, उस चरण को याद कर लीजिए, अर्ज तुम्हारा मेरा दिल है। आप अपनी आत्मा के हृदय को सिंहासन क्यों नहीं बना लेते? आप तो यात्राएं निकालते हैं, पैदल यात्रा तो बंद हो गई है, पहले चला करती थी कुछ साल पहले तक। जितनी ऊर्जा हम इसमें लगाते हैं बाहर के, हमने प्रवाहियों को देखा, देखिए सब कुछ करना शुरू किया, हमारी आत्मा का प्रीतम हमारे सबसे निकट है, लेकिन हम बाहर के संसार की तरफ देखना बंद नहीं कर रहे हैं। हमारी बाहर की पांचों इंद्रियां पांचों तरफ खींचती जा रही हैं, इसी को हम सुख माने बैठे। उस राजकुमार सिद्धार्थ की कल्पना कीजिए, जो तपती दोपहरी में भी धूप में बैठा है, वृक्ष के नीचे बैठा है, शीतल हवा के झोंके उसको भी लगे रहे, सब कुछ कष्ट झेल रहा है सत्य की प्राप्ति के लिए, और हम सुंदर साथ कहीं ना कहीं लौकिक सुखों के पीछे इतने आसक्त हो जाते हैं कि कोई कहता है कि अभी गर्मी का मौसम है, अभी चितवनी नहीं करेंगे, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। इंद्रावती जी के कहने का आशय क्या है? दुख सुख डारो आग में ये जो झूठी माया की, दुखी हो भूल जाओ, सुखी हो भूल जाओ, एक चीज तो याद रखिए, आपकी आत्मा सुख और दुख से परे है। सुख दुख किसका विषय है? जीव का। जीव भाव को आप छोड़िए, तभी कह रहे हैं, तुम स्याने मेरे साथ जी जिन रहो विखे रसलाद, पांव पकड़ कहीं इंद्रावती उठ खड़े रहो जाग। मेरे कठोर वचनों से तो आप मेरी बातें नहीं सुनेंगे, जैसे मैं कई बार आपकी हंसी कर देता हूं कि आप कृपा करके अपने भोजन को सात्विक बनाइए, कितना भी कष्ट पड़े युगल स्वरूप की छवि को दिल में बसाए बिना शयन न कीजिए, उठने के बाद कोई कार्य करने से पहले चितवनी अवश्य कीजिए। मुझे नहीं लगता कि मेरी बात को 25% से ज़्यादा लोगों ने अंगीकार किया हो, मान भी लेते हैं तो व्यवहार में नहीं लाते, लेकिन सुंदर साथ को जगाने के लिए तो युगल स्वरूप की छवि को बसाना ही पड़ेगा। जब कहते कहते महामती जी भी थकते हुए महसूस कर रहे हैं स्वयं को, तो कहते हैं कि सुंदर साथ जी, मैं तो नादान हूँ, तुम तो सियाने हो, मेरे कहने का असर नहीं पड़ता है, तो मैं तुम्हारे पांव पकड़ करके कह रहा हूँ कि तुम सियाने मेरे साथ जी जिन रहो विखे रसलाक, पांव पकड़ कहीं इंद्रावती उठ खड़े रहो जाग। अब ये जागने के ब्रह्मांड में तुम जगो, अपने स्वरूप को जानो कि तुम हो कौन, आत्म जागृति का ब्रह्मांड है। हर कोई जागने का प्रयास कर रहा है लेकिन कोई जाग नहीं पाया, सारी सृष्टि सोई हुई है। गीता में योगेश्वर श्री कृष्ण ने एक बहुत ऊंची बात कही है, या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति सन्निमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा वस्तु मने। अज्ञानता की रात्रि में सभी सो रहे हैं। सोने का अर्थ क्या है? जिसको अपने आत्मस्वरूप का बोध नहीं है वो सो रहा है, जो अपने शरीर को देख रहा है, इंद्रियों अंतःकरण को देख रहा है वो सो रहा है, जिसने माया से परे अपने शुद्ध स्वरूप का साक्षात्कार कर लिया वही जागृत है, जिसने युगल स्वरूप का साक्षात्कार कर लिया वो जागृत है। हमारे सुंदर साथ के समूह में केवल गले में एक कंठी बांध दी जाती है तुलसी की लकड़ी की, और कह दिया जाता है, कान में फूंक मार दी जाती है, कह दिया जाता है कि अब तुम्हारी आत्मा जागृत हो गई। यदि ऐसा करना है तो बहुत सरल काम है, फिर क्या जरूरत थी सागर श्रृंगार के अवतरित की? स्वयं महामती जी भी टन की टन लकड़ियां मंगाते, कंठी बांध के सबको बांधते जाते, सबकी आत्मा जागृत हो जाती, क्या जरूरत थी पन्ना जी में सवेरे भी चितवनी शाम को भी चितवनी, सवेरे भी चर्चा रात्रि को 9 से 12 तक की चर्चा, तब भी चर्चा चितवनी के सिवा, सेवा के सिवा, परम धाम के प्रेम के सिवा और कुछ नहीं हुआ, और हम इसी से मुख मोड़े बैठे हैं। हमने प्रवाहियों की तरह, कर्मकांडी पंथों की तरह वही सब सीख लिया, वही कर्मकांड, वही कान में फूंक मारना, वही
तुलसी की माला पहन लेना, उसी को सब कुछ मान लेना, सेवा पूजा से आगे हम कदम बढ़ाते ही नहीं। जागने के ब्रह्मांड में यदि आपको अपने स्वरूप का बोध करना है तो हमें यह सोचना होगा कि जिसको हम प्राणनाथ कहते हैं, हमारे प्राणनाथ किसी गादी में नहीं रहते। हमारे प्राणनाथ किस में रहते हैं? महात्मतिक जी के धाम हृदय में, हमारी आत्मा के धाम हृदय में। अब हुक्मे द्वारा खोलिया लिया अपने हाथ हुक्म, दिल मोमिन के आय के अर्श के बैठक कसम। हम शरीर भाव से परे हो जाएंगे तो क्या होगा? जब हम अपनी अंतर्दृष्टि खोलकर परात्म को देखेंगे, उस परात्म में कौन बैठा होगा? वही तो अक्षरातीत जिसको हम खोजते फिरते हैं। श्रृंगार में एक बहुत ऊंची बात कही गई है, मैं हक अर्श में जुदा जानती ल्यावती शब्द में वर्णन। मैंने हक को अपने से जुदा जाना था। ये हमारे राज्य हैं, आप एक एक शब्द में अंतर है, या हमारे राज्य हैं या मेरे राज्य हैं, चल जाएगा। सामूहिक कहेंगे सब 12,000 समूह तो हमारे राज्य, वहाँ भेद है नहीं, एक कहें या 12,000 कहें चलेगा। या मेरे राज्य हैं ठीक है, यह हकीकत में मार्फत में आपने पहले सुना, दूजे तो हम है नहीं, ये बोले बेवरा वहदत का। दो हैं तो एक मैं और मेरा होता है, अद्वैत में क्या होगा? अद्वैत में तो राज्य के सिवा और कुछ होगा ही नहीं। रात को मैंने चौपाई बोली थी, जिमी जात भी रूह की और रूह जात आसमान, जल तेज वाय सब रूह को, रूह जात अर्श सुभान। वहां का जल भी आत्मा का स्वरूप है, धरती भी आत्मा का स्वरूप है, वृक्ष भी आत्मा का स्वरूप है। जैसे 12,000 सखियां हैं आत्मा रूप, वैसे ही परम धाम का एक एक कण भी राज्य का रूप है। और आत्मा रूप क्या है? वही राज्य का दिल ही तो आत्मा के रूप में दृष्टिगोचर हो रहा है। फिर परम धाम में एक राज्य के सिवा अन्य कौन हुआ? जैसे आप एक छोटे से दृष्टांत से समझ लीजिए, ये मेरा हाथ है, ये अंगुली यदि काट दी जाए, इस अंगुली का नाम राजन स्वामी नहीं है, लेकिन ये कहा जाएगा कि राजन स्वामी की अंगुली कट गई। इस अंगुली से राजन स्वामी को आप अलग नहीं कर सकते। उसी तरह से हकीकत में हर आत्मा अलग दिख रही है, मार्फत में वो उसी का स्वरूप है। लेकिन आप इसका अर्थ ये मत लगा लीजिए कि आप जो कुछ करेंगे वो राज्य कर रहे हैं। आपको क्रोध आ गया तो बहाना बना देंगे, क्या करें, शरीर है, मैं थोड़े शरीर हूँ, ये तो ज्ञान की बातें हैं। आप क्रोध करेंगे तो आपको दंड भुगतना पड़ेगा। आप न्यायालय में चले जाएं और जज को कहें कि जज, तुम छोटे से जीव सृष्टि के आदमी हो, मैं सर्वशक्तिमान परब्रह्म की आलादनी शक्ति हूँ और मेरे आदेश से ये ब्रह्मांड बना है क्योंकि मैं उनका स्वरूप हूँ, तो जज क्या कहेगा? कहीं पागल खाने से कोई आदमी आ गया, इसको बाहर निकाल दो। आपका शरीर गया है न्यायालय में, आपकी आत्मा का उससे कोई संबंध नहीं। आत्मा तो दृष्टा है। काम क्रोध मद लोभ अहंकार के विकार आपके जीव के अंदर हैं, तो उस जीव को निर्मल करना पड़ेगा। कीचड़ में लिपटा हुआ हीरा यदि आप बेचने के लिए जाएंगे तो जौहरी जब तक हीरे को देख नहीं लेगा, कीचड़ से लिपटे हुए हीरे का कोई मूल्य नहीं लगाएगा। जब तक आपकी आत्मा विकारों से ग्रस्त जीव के ऊपर बैठकर जीव की लीला में मग्न है, तब तक आपको आपके वास्तविक स्वरूप का मूल्यांकन नहीं होने देगा। इसलिए सबसे पहले हमें कार्य करना है, हमें अपने मूल स्वरूप को जानना होगा ज्ञान से, और उसके ऊपर जो संसार का आवरण चढ़ गया है उसको हटाना होगा चितवनी के प्रेम से। तभी कहा है, पांव पकड़ कहे इंद्रावती उठ खड़े रहो जाग, विषयों से अपना ध्यान हटाइए। और किधर कीजिए? जो जो अर्श हुए नजीक, त्यों तो खेल हुए दूर। हम
संसार से नज़र हटाते जाएं और युगल स्वरूप की तरफ बढ़ते जाएं, फिर जैसे जैसे वो छवि हृदय में बस जाएगी, संसार हमारे लिए कुछ रहेगा ही नहीं। यही इस प्रकाश वाणी का उद्देश्य है। इंद्रावती जी ने क्या कहा है, श्री धनी जी ने लागू पाए मेरे पीव जी फेरा सफल हो जाए। मेरे आराध्य, मेरे सर्वेश्वर, मेरे प्राणनाथ, मैं आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा फेरा सफल हो जाए। सफल होने का तात्पर्य क्या है, इस खेल में हम क्यों आए, स्वयं को जानने के लिए। जिन्होंने इस खेल में अपने को देखा है, जब इस खेल से परे वो नहीं होते हैं तो जीवन निष्फल हो जाएगा। परम धाम में अनादिकाल से रहते हुए भी राज्य के दिल में डुबकी लगाने का सौभाग्य हमने खोया था, क्योंकि हम स्वयं को केवल हकीकत में ही अनुभव में लाते रहे, मारिफत में अपने अस्तित्व को भुला देते रहे। लेकिन इस जागनी ब्रह्मांड ने ऐसा सुनहला मंच हमें दे दिया है कि हम सागर के किनारे खड़े होकर सागर की एक एक लहर को हम नाप सकते हैं। पहले हम नमक थे, सागर में डुबकी लगाते ही गल जाया करते थे, अब हम ऐसे नमक बन गए हैं जो गलना नहीं सीखता लेकिन डुबकी लगाकर सागर को नापने का साहस रखता है। जिस अक्षरातीत के बारे में कोई जान नहीं सका था, किन सुपने ना श्रवणो सो इत मिल्या नर नार, और वह कह रहा है कि परमधाम की आत्माओं, मैंने तुमको सुनहला अवसर दे दिया है, मैंने तुम्हें अपना दिल दे दिया है। मासू के मोहे मिलके करी सो दिल दे कुछ, कहे तू दे पड़ुत्तर जो मैं पूछा तू तुझ। राज्य ने तो अपना दिल लुटा दिया, हमने लुटाना नहीं सीखा, हम कंजूस, महाकंजूस। हम जिसके दिल है उसको ही अपना दिल नहीं दे पा रहे हैं, हमने अपना दिल किसको दिया है। माँ अपने बेटे को गले से लगाएगी, कहेगी जिगर का टुकड़ा है। पिता, बच्चा कहेगा मेरे लिए पिताजी ही तो सब कुछ है। पत्नी कहेगी मेरे लिए पति परमेश्वर है, राजी बाद में देखेंगे। पति कहेगा पत्नी के बिना मैं जी नहीं सकता। आप सबके बिना जी, आप राज्य के बिना जी सकते हैं लेकिन सांसारिक रिश्तों के बिना जी नहीं सकते। कई सुंदर साथ बुजुर्ग मेरे से मिले जिन्होंने अपने जीवन का अनुभव साझा किया कि जब मेरी पत्नी मरी तो लगा कि मैं जी करके क्या करूँगा, लेकिन उनके मुख से कभी मैंने यह नहीं सुना कि कभी एक बार उन्होंने कभी ये भी सोचा हो कि राज्य का दर्शन नहीं तो जी करके क्या करूँगा। क्योंकि जो दिख रहा है वो तो नश्वर है, एक दिन हमारा शरीर छूटेगा, घर द्वार छूटेगा, जिनको हम नहीं छोड़ना चाहते वो एक दिन छूट जाएंगे, हमारे बस की नहीं है। जानते हुए कि सब कुछ छूट जाने वाला है, जो पल पल हमारे साथ है उसको कोई अपने दिल में अखंड रूप से बसाना नहीं चाहता, वो तो बसा हुआ है। जानते हैं किस तरह से बसा है, कोई आपके घर मेहमान बनकर आ जाए, आप सोचते हैं कि कल चला जाए, तीन चार दिन तक वो डेरा डाले रहता है, आप घर में छिप कर क्या बातें करते हैं, कैसा बेशरम है, जाता नहीं, हमारे पर बोझ बना हुआ है। राज्य बेशरम से भी बड़े हो गए, आप धक्के भी दोगे तो भी आपके दिल से वो जाने वाले नहीं है, आपने तो उनको किनारे किया हुआ है। 24 घंटे में आधे घंटे भी क्या आप राज्य के लिए देते हैं? घर से घर आप आते हैं, ऑफिस से कहीं से, पत्नी के लिए समय है, सोचते हैं पत्नी से बात नहीं किया, बच्चों से बात नहीं किया। कितने सुंदर साथ हैं जो सबको बुलाकर थोड़ी देर राज्य के लिए देने का प्रयास करते हैं। जो हमारा है वो पराया लग रहा है, जो पराया है वो हमें अपना लग रहा है, हम राज्य को अपना दिल नहीं दे सकते, तो परिणाम इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा। इसलिए इस जागनी ब्रह्मांड में हमारे लिए राज्य ने ऐसा अवसर दिया है जो परम धाम में रहते हुए भी कभी अनादिकाल से आज तक सुनहला अवसर नहीं दिया है। सब सुंदर सा चाहते हैं कि प्रलय जल्दी से जल्दी हो जाए, मैं कभी भी राज्य से आज तक नहीं कहा कि जल्दी से प्रलय कर दीजिए, जब उसकी रजा होगी तो करेगा। हमें दखलंदाजी देने का अर्थ क्या होता है, तेरी लीला तूने खेल बनाया, तू लाने वाला तू है, खत्म करने वाला तू है, मैं तुझसे क्यों सिफारिश करूं, क्या तुम्हें बुद्धि नहीं, क्या मैं तुम्हें बुद्धि दूं, तुमसे मांग करूं कि तुम खेल खत्म कर दो। इसका तात्पर्य यह है कि हमें उन पर विश्वास नहीं है।
याद रखिए, सीता जी राम के साथ वन में जाती हैं, कहीं रामायण में एक भी श्लोक वाल्मीकि रामायण में है सीता जी अपने साथ गठरों का ढेर ले गई हूँ? 14 साल गुजारा करना है, सीता जी कभी कपड़ों का ढेर तो नहीं ले गई होगी कि साल भर के बाद कपड़े फट जाएंगे फिर हम क्या पहनेंगे? कभी राम से कोई गिला शिकवा तो नहीं किया कि मर्यादा पुरुषोत्तम, मैं जनक दुलारी महलों में रहने वाली, आपके कारण मैं झोपड़ी में रह रही हूँ, मच्छर काटते हैं। आप देखते हैं ना, आपको भी रात को मच्छर काटते होंगे तो कितना सुर मचाते हैं। बेचारी सीता चित्रकूट में 12 वर्ष रह गई, कितनी गर्मी लगती होगी, पंखे के बिना तो रह ही नहीं सकते, आपको भी तो ऐसी चाहिए। सीता ने कहीं कुछ शिकायत की हो भोजन की, कष्ट की, जहाँ राम वहाँ सीता, सीता नहीं तो राम नहीं, वो तो जीव सृष्टि की रीति है। क्या हम कभी सोचते हैं राजी ने हमको जिस हालत में रखा है उस हालत में भी हम गिले शिकवे करते हैं, मंदिर में ही मत्था टेकेंगे माया की वस्तुएं मांगना शुरू कर देते हैं। रामकृष्ण परमहंस को कैंसर हो गया था, सब लोगों ने कहा कि परमहंस जी आप एक बार माँ से क्यों नहीं कह देते, माँ यानी काली का संबंध था, कहने का भाव था परमात्मा से, एक बार तो आप कह दीजिए कि आपका कैंसर ठीक हो जाए। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं क्या माँ को दिखाई नहीं देता है, मैं क्यों कहने जाऊँ कि मेरा कैंसर ठीक कर दो, यदि उनकी इच्छा है तो ठीक करेंगे, नहीं कर इच्छा हो नहीं करेंगे, मैं नहीं कहने जाऊँगा। यह है प्रेम की अटूट आस्था अपने आराध्य के प्रति, हमको विश्वास नहीं है इसलिए गोटे लेकर बैठ जाते हैं। गोटे लेकर क्यों बैठते हैं कि पता नहीं राज्य को पता नहीं चल पाता है कि हम कितने दुखी हैं, यदि ये कर देंगे तो हमारी आवाज़ पहुंच जाएगी, इस पर भी नहीं होता तो सिफारिश लेकर के बैठ जाते हैं, किसी महाराज के पास जाएंगे, किसी पुजारी जी के पास जाएंगे, मेरे कहने से राज्य नहीं सुन रहे, आप कह दीजिए आप कुछ विशेष चढ़ावा कर देंगे, कुछ ज़्यादा बढ़िया मिठाई चढ़ा देंगे तो राज्य ये मांग पूरी कर देंगे। हमने अपने सर्वेश्वर को जो हमारा प्राण वल्लभ है दुनिया के देवी देवताओं की पंक्ति में खड़ा कर दिया, वो तो बताना चाहता है तुम कौन हो, तुम वही हो जो मैं हूँ, इस बात को हम नहीं जानते। रब्द क्यों हुआ, राज जी कह रहे हैं तुम रूहे मेरे तन हो, तुम सो इश्क जो मेरे दिल, ये क्यों कर पाओ बकाबिने जो सहूर करो समिल, यदि इस परम धाम में मैं तुमको समझा नहीं सकता लेकिन अंतर्दृष्टि खुलेगी तो ये समझ में आ जाएगा कि जो तुम्हारे तन है उसके रूप में मैं ही तो हूँ, जब हम और तुम दो नहीं तो ये क्यों कह रहे हो कि हमारा इश्क बड़ा है और आपका इश्क छोटा है। यही वहदत को समझाने के लिए राज जी ने यह खेल बनाया है। और इंद्रावती जी वही बात कहने जा रही हैं, श्री धनी जी के लागू पाए पिवजी मेरा फेरा सफल हो जाए, मेरे राजी इस खेल में आना मेरा सार्थक कर दीजिए, मैं आपके चरणों में प्रणाम कर रही हूँ। ज्यों पियू ओलखाए मेरे पियू जी, किस लिए इस खेल में आने की सार्थकता क्या है, ज्यों पियू ओलखाए मेरे पियू जी, मैं आपकी पहचान कर सकूं, पहचान बिना गिरो क्या करे या यार या सिरदार, पहचान इतनी सरल नहीं है, सबसे कठिन चीज है तो पहचान। देवचंद जी को 3 बार दर्शन होता है फिर भी देवचंद जी पहचान नहीं पाते, कहियो जन्म खोया अपना रहे धनी के जमाने माहे, हाय हाय कहाँ कहूँ मैं तिनको जो इनफल इनमें निर्फल जाए। श्री देवचंद जी के साथ रहते हुए भी सबने देवचंद जी को पहचाना नहीं। 5वें दिन की लीला में प्राणनाथ जी के साथ रह रहे हैं, घर द्वार छोड़कर आ गए हैं फिर भी प्राणनाथ जी के स्वरूप को सबने नहीं पहचाना। परमहंस महाराज से रामतन दास जी के साथ रहते रहते सारी उम्र गंवा दी लेकिन परमहंस महाराज को कभी नहीं पहचाना, उनको चमत्कार दिखाने वाला एक महाराज ही मानते रह गए। हम अपनी आत्मा के स्वरूप को खुद नहीं जान पाते हैं क्योंकि वो ऐसा छलिया है जिसने कभी अपने स्वरूप की पहचान देना ही नहीं होता है, सब कुछ कर देगा कहीं ना कहीं आंखों पर पर्दा पड़ गया,
श्री देवचंद जी के साथ रहने वाले सुंदर साथ पर या महामती जी के साथ 5000 की जमात में भी जो सुंदर साथ पहुँचे उनको भी पहचान नहीं हो पाई। मुकुंद दास जी जैसे विद्वान परमहंस जिनके अंदर नवरंग भाई की आत्मा माना जाता है उनको भी आखिर में पहचान मिली, कितना पश्चाताप हुआ। और तो और छोड़िए, इंद्रावती जी को भी नहीं पहचानती। ऐसा इस खेल में कोई नहीं है जो दावा से कह सके कि मैंने बिना भूल किए पहचान कर ली। तभी तो कहा, मैं पहचान न कर सकी पीयू जी चले पुकार पुकार कर। इस प्रकाशवाणी के अंदर बार बार ये इंद्रावती जी के द्वारा कहा गया है, सैयल आए थे मेरे घर, सा आए थे मेरे घर, मेरी सैयल रे सा आए थे मेरे घर, मैं पहचान न कर सकी पीयू चले पुकार पुकार कर। मेरा प्रीतम देवचंद जी के तन में बैठे लीला करता रहा, मेरी अज्ञानता में डूबी हुई आंखें उनकी पहचान नहीं कर सकी। कल खटुते की चर्चा होगी, इसी विषय से संबंधित ग्रंथित है। हम थोड़ी सी पहचान लेकर के समझते हैं कि हमने पहचान कर लिया। हमारी मूल पहचान होनी चाहिए उस मूल स्वरूप की तरफ। एक प्रकरण आता है सनंद में, सनमंत मूल को मैं तो पाव पल छोड़ियो न जाए। आज समाज को आवश्यकता है मूल स्वरूप की पहचान की। हमारा मूल स्वरूप मूल मिलाव में विराजमान है, हमारी आत्मा का प्रीतम मूल मिलाव में बैठे हैं और हमारी आत्मा के धाम हृदय में पल पल अक्षरातीत की छवि है। इससे अलग हटकर हम कहीं ना कहीं स्थान गुरु गादी से जुड़े होते हैं। परिणाम यह होता है कि मूल स्वरूप की पहचान हमसे छूट जाती है और हम आई हुई बाजी जीती हुई बाजी हार जाते हैं। छठे दिन की लीला में सबसे बड़ी सार्थकता है कि हम अपने स्वरूप को पहचाने, अपने आराध्य को पहचाने, हमारी आत्मा का प्रियतम प्राणनाथ कैसे है। अब आगे की चर्चा समय पूरा होता है, शाम के मंच पर मिलेगी। पहचान से संबंधित या कोई दूसरा प्रकरण की इच्छा होगी सुंदर साथ को तो उसकी चर्चा कर दी जाएगी। लेकिन याद रखिए, चाहे कोई सिरदार कहलाए या सामान्य सुंदर साथ, बिना पहचान के कुछ नहीं हो सकता। आप पहचान कराई अपने लिए अपने पास सिखाए जी, बड़ी बड़ाई दई आप थे इंद्रावती कंठ लगाए जी। आप बुद्धि के बल से तो कभी नहीं पहचान कर सकते। अक्षरातीत की पहचान तो दूसरी। एक मैं सच्ची घटना सुनाता हूँ। एक महात्मा थे, प्रवाही महात्मा, उनके साथ एक माता जी बैठी थी। उन्होंने अपने योग बल से जान लिया कि कुछ जिज्ञासु जन मेरे पास आ रहे हैं मेरे से सत्संग करने। उन्होंने कहा कि देखो भाई, वो लोग आने वाले हैं और मेरे से सत्संग करेंगे, मेरी ध्यान साधना में बाधा डालेंगे। जब वो आएंगे तो मैं तुमको गाली दूंगा गंदी गंदी, और तुम भी मेरे से झगड़ा कर लेना, लेकिन तुम्हें बाद में बुरा नहीं मानना है। मैं तुम्हें गाली दूंगा तो सोचेंगे कि कैसे महात्मा है जो इतनी गंदी गाली देते हैं, फिर वो चले जाएंगे, मुझे डिस्टर्ब नहीं करेंगे। जैसे जिज्ञासु आए उस परमहंस ने गालियां देनी शुरू करी, गंदी गंदी जो गांव में बोली जाती है। वो सोचने लगे कि हम आए थे इनके पास कि इनके पास कुछ ब्रह्मज्ञान का प्रकाश मिलेगा, ये तो इतनी गंदी गाली देते हैं, ये क्या महात्मा होंगे। चले गए। जब वो चले गए तो इनका भी झगड़ा बंद। हंसकर महात्मा जी कहने लगे, देखो ना, मैंने अपने को छिपाने के लिए अपना गंदा रूप जानबूझकर प्रकट किया था कि ये मेरे से दूर हो जाए। ये तो खेल है। राजी ने वाणी में सब कुछ कह दिया है, लेकिन मूल स्वरूप यदि अपनी पहचान दे दिया, बिना गलती के आपने पहचान कर ली, तब तो आपने बाजी जीत ली। फिर इंद्रावती से भी आपकी महिमा बढ़ जाएगी, श्यामा जी से भी महिमा बढ़ जाएगी। इसलिए याद रखिए, गलती सभी से होनी है। पहचान बिना गिरो क्या करे या यार या सिद्धार, बिन हंसी कोई न रहया, हंसी सबकी होनी है। इस जागनी के खेल में आप गिरेंगे, पहचान नहीं होगी। हाँ, शरीर छूटने से पहले आपको पूरी पहचान जरूर दी जाएगी, लेकिन आप बोल नहीं पाए रहेंगे क्योंकि वो तो आखिरी समय होगा। लेकिन परंधाम में जाने के बाद आप यही कहेंगे, क्या करें, फल पकड़ते पकड़ते रह गए थे, गलतियां होती रहेगी। जब जगी तब तक खेल समाप्त हो चुका था।
इसलिए प्रकाश की वाणी बार बार पुकार करके कह रही है कि हमें मूल स्वरूप को पहचानना है अपनी आत्मा के आराध्य को पहचानना है। यदि ये पहचान कर लिए तो हमने बाजी जीत ली। इसलिए शाम की चर्चा में और प्रकाश डाला जाएगा। चुपाई दूर श्री धनी जी के लागू पाए मेरे पियू जी मेरा सुफल हो जाए। ज्यों पियू ओल खाए मेरे पियू जी सुनियो हो प्यारे मेरी विनती। सुनियो हो प्यारे मेरी विनती। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सद्गुरु महाराज की जय। सर्वे सुंदर साथ की।